अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज कॉलेज में आ चुका था मेरा एडमिट कार्ड और मैं गई हुई थी एडमिट कार्ड लेने के लिए। मुझे अपने एडमिट कार्ड की एक फोटोकॉपी कॉलेज में सबमिट करवानी थी, तो मैंने फोटोकॉपी करवा ली। जब मैंने उनसे पूछा मुझे इसको बाइंड भी कर दो, तो उन्होंने बोला 60 रुपीज लगेंगे और हमारे मोहल्ले में, हमारे एरिया में ये काम 20 रुपीज में होता है। मैं अपने एरिया में लेके आ गई और मैंने यही काम 20 रुपीज में करवाया। वैसे तो व्लॉग बनाने का ख्याल मुझे महीनों महीनों तक नहीं रहता, लेकिन जब कहीं बाहर जाना हो तो मैं रात में सोच के सोती हूँ कि सुबह उठ के ऐसे व्लॉग बनाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, और सुबह इतनी जल्दी जल्दी में हर काम करना पड़ता है कि व्लॉग फिर रह ही जाता है। जब मॉर्निंग से ही व्लॉग शुरू ना करूं तो मैं कहती हूँ अब दिखाने का फायदा ही क्या है। कॉलेज से घर आकर मैंने किया फटाफट नाश्ता, क्योंकि मैं नाश्ता करके नहीं गई थी। मेरी कजन आई हुई थी जो शायसा लोधी के क्लिनिक से फिटोना लेजर करवा रही है। उसे डॉक्टर ने कुछ क्रीम्स रिकमेंड की हुई थी, तो मैंने उसको बोला चलो व्लॉग में तुम ये भी दिखा दो। 1450 रुपीज की ये क्रीम थी। इसके रिजल्ट कैसे हैं ये तो मैं उससे पूछ के आपको बताऊंगी। फिर आज हमें जाना था किसी की शादी में, तो मैंने अपने लिए ये वाले कपड़े निकाल लिए। ना ज्यादा हैवी थे और ना ज्यादा लाइट थे, मुनासिब से कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो यही पहन लेती हूँ। हम सब रेडी होके निकल पड़े जी शादी के लिए। रास्ते में पापा का ऑफिस आता था, तो हम लोग वहाँ पे भी थोड़ी देर रुक गए। तैयार हम हुए हुए थे, तो यहाँ पे हमने थोड़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले ली। उसके बाद जी पहुँच गए हम शादी में। यहाँ हो रहा था ब्राइडल शावर और अहमद उसे ऐसे देख रहा था के बस। थोड़ी देर बाद ही खुल गया था खाना। खाने में बिरयानी, कोरमा और मीठे में पता नहीं क्या था, क्योंकि मैंने मीठा खाया ही नहीं था, मुझे याद ही नहीं। लेकिन खाना बहुत मजे का था। खाना इतना मजे का था कि कोई जा ही नहीं रहा था। हॉल वालों ने लाइटें बंद कर दी कि भाई जाओ अपने घर जाओ। उसके बाद हम लोग घर आ गए। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं स्टूडियो आई हुई हूँ क्योंकि आया हुआ था एक ऑर्डर और मुझे जाना था उसका सामान लेने। शाही सवारी पे हो गए थे हम सवार और पहुंच गए थे बाजार। मेरे साथ आप ही भी थी, क्योंकि सामान तो आप ही नहीं लेना था, मैं उनके साथ थी। मैं अपनी नेक्स्ट रेजिन वीडियो के लिए कुछ सामान देख रही थी, जैसा कि कोई अपना काम स्टार्ट भी कर ले और वो कम प्राइस के अंदर भी हो। अगर आप में से भी कोई ये सामान बाय करना चाहता है, तो वो इंस्टाग्राम पेज हैप्पीनेस आर्ट स्टोर पे जाके ये सामान बाय कर सकता और है। जो विनाइल स्टिकर्स का पूछ रहे थे, तो विनाइल स्टिकर्स भी आप लोग को मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद आ गए थे हम लोग फ्लावर मार्केट में, क्योंकि आप ही को लेने थे कुछ फ्लावर्स। लेकिन जिस तरह के फ्लावर्स आप ही को चाहिए थे, वैसे वाले फ्लावर्स मिल नहीं रहे थे। फिर बहुत ढूंढने के बाद फाइनली हमें वो फ्लावर्स मिल गए थे जैसा आप ही चाह रही थी। जब हम लोग मार्केट आते हैं तो किसी एक काम के लिए नहीं आते, बल्कि अपने सारे कामों की लिस्ट बना के फिर मार्केट आते हैं, ताकि हमें बार बार आना ना पड़े। हम लोग आए हुए थे फैक्ट्री में, क्योंकि जो बॉक्स था उस पर थोड़ा सा मसला आ गया था, वो ठीक करवाना था, और कुछ एक्रेलिक कटिंग्स वगैरह थी जो हमें यहाँ से उठाना थी। आप ही की वीडियो के लिए कुछ क्लिप्स बनाने थे जो कि मिस हो गए थे। मैंने अंकल को कहा कि आप दोबारा एक्रेलिक आप ही को पकड़ाइएगा, मैं वीडियो बनाऊंगी, और अंकल इस तरह पकड़ा रहे थे जैसे अवार्ड दे रहे हैं। उसके बाद हम आ गए थे फ्रेम की शॉप पे, क्योंकि हमें फ्रेम का कुछ काम था। प्लीज आप लोग ये पूछना मत शुरू कर दीजिएगा ये शॉप कहाँ है, वो शॉप कहाँ है। आपको जो भी चाहिए वो हैप्पीनेस आर्ट स्टोर से मिल जाएगा। आप लोग ने स्क्रीनशॉट लेना है, इंस्टाग्राम पे जाना है और मुझे सेंड कर देना है, वो चीज मैं अरेंज करके आपको आपके सिटी में डिलीवर करवा दूँ। यहाँ कस्टमर ने ऑर्डर कंफर्म कर दिया था, तो हमने फटाफट फ्रेम का ऑर्डर दिया और हमने कहा कि हमें अर्जेंट चाहिए, इसलिए आप प्लीज हाथ के हाथ इसे बना दें। तो अंकल ने फटाफट हमें हाथ के हाथ फ्रेम बना के दे दिया। कुछ क्लिप्स मुझे आप ही की वीडियो के लिए भी बनाने थे, इसलिए मैंने वो बनाए। और इन दोनों में से आप बताएं कि मैं कौन सी हूँ और आप ही कौन सी हैं। यहाँ से फारिग होके हम आ गए प्रिंटिंग की शॉप पे, क्योंकि हमें प्रिंटिंग की शॉप पे काम था। प्रिंटिंग की शॉप पे मेरा काम सिर्फ चेयर पे बैठने का होता है, क्योंकि सारी चीज़ें आप ही ने अंकल को समझानी होती है कि क्या चीज़ कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी। प्रिंटिंग की शॉप पे अभी रश था, तो हमने सोचा इतनी देर क्यों ना अपनी पेट पूजा करके आ जाते हैं। यहाँ आप ही ने अपने लिए मंगवाई थी चने चाट। मैं तो बिल्कुल भी चने चाट नहीं खाती, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हाइजेनिक हूँ, ऐसा है कि मुझे ये पसंद ही नहीं है। यहाँ मैं अंकल की बहुत आराम से वीडियोज़ बना रही थी और अंकल को पता ही नहीं था कि मैं उनकी वीडियोज़ बना रही हूँ। और जब वो मुझे प्लेट देने लगे, तो उनका रिएक्शन चेक करिएगा, क्योंकि ऐसे उनकी आवाज़ नहीं आई थी, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर था, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था हाय मुझे तो लगा कोई चोर आ गया, मोबाइल उनको दरअसल गन लगी थी। कराची के तो हाल ही ऐसे हैं कि बस ऐसा लगता है हर गाड़ी रुकने वाली जो है वो स्नैचर्स की ही है। उसके बाद मैं लेने आ गई थी अपने लिए कॉफ़ी, और जब पता चल जाए ना शॉप वाले को कि कैमरा ऑन है, तो फिर बस इस तरह की ही आपको चीज़ प्रोवाइड होती है। मैं अक्सर इनकी शॉप से कोल्ड कॉफ़ी लेके पीती हूँ, लेकिन कभी भी इस तरह इन्होंने ग्लास डेकोरेट करके मुझे कॉफ़ी सर्व नहीं की। लेकिन आज कैमरा ऑन था, इसलिए इन्होंने मुझे इतनी तमीज़ और तहजीब से कॉफ़ी बना के दी है ना। जो लोग इनकी शॉप से कॉफ़ी पीते होंगे, वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे,
और यहाँ मेरी कॉफ़ी बनके तैयार हो गई थी। बस मीठा थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा उसके था। उसके बाद हम लोग आ गए थे प्रिंटिंग शॉप पे और फाइनली यहाँ हमारा नंबर आ गया था। यहाँ निकाह सर्टिफिकेट प्रिंट हो रहा है। ये अर्जेंट ऑर्डर था इसलिए हमें ये हैंड टू हैंड फटाफट करवाना पड़ा। उसके बाद आ गए जी घर। जो रिबन लेके आई थी उसकी बनानी थी मुझे 400 बोस, तो मैं फटाफट इस काम पे लग गई क्योंकि ये अर्जेंट ऑर्डर था और मुझे 2 दिन के अंदर इसे डिलीवर करना था। जल्दी जल्दी सारे इन रिबन्स को अनफोल्ड किया और बस फटाफट बो बनाने लग गई। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि आप ही आप फेवर बॉक्सेस कैसे बनाती हैं, तो उसका ट्यूटोरियल बता दें। तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए बन गई है। आप देख सकते हैं कि हम कैसे फेवर बॉक्सेस को बनाते हैं। काम देखने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है। ये बोस बनाते बनाते मुझे 3 से 4 घंटे लग गए थे। अर्जेंट और ह्यूज ऑर्डर लेना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका ऑर्डर 2 डेज के अंदर कम्प्लीट कर दिया था। मेरी इस वीडियोस को देख के बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिल रही होगी और इस वीडियो से आप लोग को ये भी अंदाजा हो रहा होगा कि किस काम को कैसे मैनेज करना है। इसके बाद मैं इन्हीं कस्टमर का रेजिन प्लेक भी रेडी करूंगी। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप ही प्लीज हमसे पैकिंग का भी शेयर करें कि आप पैकिंग किस तरह करती हैं, तो इसी वीडियो में मैं आगे आपको इसकी पैकिंग करके भी दिखाऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर ही दें हाथ के हाथ। और आप मेरी वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, कमेंट में लाजमी बताइएगा। और कमेंट में मुझे ये लाजमी बताइएगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या हो। बातों ही बातों में मैंने यहाँ कर ली है 400 बोस को रेडी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा था, 3 to 4 आवर्स। अब उसके बाद मैं इन सारी बोस को ऐसे लाइटर कर दूंगी ताकि ये बोस खराब ना हो। स्कूल लाइफ में मेरे साथ तो ये लाजमी होता था कि बो का एक धागा खेसी थी और सारी बो खुल जाती थी। किस किस के साथ ये हुआ है? ये कस्टमर के साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं इन सारी बो को इस तरह लाइटर कर रही हूँ। ये कस्टमर की ये रेजिन प्लेक है जो मैं रेडी कर रही हूँ सेम थीम में। मुझे एक दो कमेंट ऐसे भी आते हैं कि आप ही प्लीज आप बैकग्राउंड म्यूजिक ना यूज किया करें, ऐसे हमारा ध्यान फिर म्यूजिक में लग जाता है। अगर बैकग्राउंड म्यूजिक यूज नहीं करती ना तो हर छोटी छोटी आवाज बहुत ज्यादा बढ़ के आती है। कि वीडियो में बैकग्राउंड म्यूजिक यूज नहीं करी तो आप लोग बताइएगा कि आज की वीडियो सही थी या म्यूजिक के साथ सही है। इस रेजिन प्लेक के अलावा मुझे और भी ऑर्डर्स आए हुए थे तो मैं साथ साथ उन्हें भी रेडी कर रही हूँ। कस्टमर की डिमांड के मुताबिक मैंने रेजिन के अंदर उनके कलर्स मिक्स किया और उन्हें मोल्ड के अंदर पोर कर दिया। रेजिन को कैसे मिक्स करते हैं, उसके अंदर पिगमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, इन सब की मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है और क्लास 1 भी दी हुई है। आप पहले वो देख कर आ जाए तभी आपको ये वाली वीडियोस देखने में मजा आएगा कि मैं किस तरह ये काम करती हूँ। इस वाले ट्रे के सेंटर में मैंने व्हाइट पिगमेंट ऐड किया और इस तरह साइड पे स्टोन्स ऐड किए हैं। स्टोन्स के साथ मैं ऐड कर रही हूँ व्हाइट कलर के पेबल्स। कप के अंदर मैंने थोड़ी सी रेजिन सेपरेट करके रख दी थी, उसके अंदर मैंने डाला गोल्डन कलर का फ्लोटिंग पाउडर, उसे अच्छे से मिक्स किया और फिर इस तरह मैंने उसकी लाइन्स को क्रिएट कर लिया। यहाँ दूसरी प्लेट में मैं डाल रही हूँ गोल्डन कलर के स्टोन्स बिग वाले। आप अपनी मर्जी से जैसे इसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं। और साथ ही मैं दूसरी प्लेट के अंदर भी व्हाइट कलर की क्रश ग्लास डाल रही हूँ। व्हाइट कह रही हूँ, ट्रांसपेरेंट क्रश ग्लास को मैंने इस तरह सेट कर दिया। मुझे पता है बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे इन ट्रेस में थोड़ी सी रेजिन कम लग रही थी तो मैं थोड़ी सी रेजिन को और मिक्स कर लिया था। इसे अक्सर आप लोग पूछते ना कि हमें इस रेजिन का रेशो बता दें, तो देखें अगर रेशो कभी कम हो भी जाए तो आप बाद में रेजिन को मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। जो मैंने स्टोन सेट किए थे मैंने उनके ऊपर रेजिन पोर की है ताकि वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। उसके बाद मैं यहाँ यूज कर रही हूँ हीट गन का ताकि कोई भी अगर बबल बन चुका है तो वो पॉपअप हो जाए। हीट गन का एक और भी फायदा होता है, जो हम इसके अंदर मीका पाउडर यूज करते हैं रेजिन में, हीट गन यूज करने के बाद उसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे इनहेंस होके आते हैं। इस वाले ट्रे में मुझे फ्लोटिंग पाउडर कम लग रहा था तो मैंने बाद में थोड़ा सा और मिक्स करके डाला। यहाँ मेरे पास गोल्डन कलर के ग्लिटर्स थे, मैं यहाँ वो ऐड कर रही हूँ। इसे ग्लिटर कहते हैं या फ्लेक्स कहते हैं ये मुझे अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी ट्रे में भी मैंने ये ऐड कर दिया। वुडन स्टिक की हेल्प से मैंने इसको थोड़ी सी फिनिशिंग दे दी। इस वाली ट्रे में भी मैंने ये सिल्वर कलर के ग्लिटर्स ऐड कर दिए। यहाँ आपको सही पता चल रहा होगा कि ये ग्लिटर्स हैं या फ्लेक्स हैं। टूथपिक की हेल्प से इसके सेंटर में कुछ इस तरह से मैं डिजाइन क्रिएट कर लूंगी हर ट्रे के अंदर। जो इस वाली ट्रे में फिर से थोड़ी बहुत कमी लग रही थी तो मैंने ऐड किए व्हाइट कलर के पेबल्स। ऐड करने के बाद इसकी लुक बिल्कुल ठीक हो गई थी। और ये सेकेंड डे है जब ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए थे। यहाँ
मुझे अब इन ट्रेस के अंदर ऐड करने थे ये स्टिकर्स और हैंडल। मैं आप लोग को अपनी क्लास 1 में बता चुकी हूँ कि स्टिकर्स को कैसे कट करना है, और यहाँ मैं स्टिकर्स को पहले रख के देख लेती हूँ कि स्टिकर्स किस तरह मैंने रखने हैं। हैंडल्स को मैंने ग्लू गन से अटैच कर लिया था। यहाँ मैं रेजिन को हीट गन से थोड़ा सा नरम कर रही हूँ। ये स्टेप मैं अपनी क्लास 1 में भी बता चुकी हूँ कि स्टिकर अप्लाई करने से पहले आपने रेजिन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, उसके बाद स्टिकर्स को अप्लाई करना है। इससे ये होगा कि स्टिकर अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएंगे और उनकी कोई भी नोक रेजिन से बाहर नहीं आएगी। यहाँ मैं वुडन स्टिक की हेल्प से मेजर कर करके स्टिकर्स को इस तरह अप्लाई कर रही हूँ। मुझसे पिछली वीडियो में बहुत ज्यादा पूछा गया था ये क्वेश्चन कि ये स्टिकर्स आप कौन से यूज कर रही हैं और ये कहाँ से मिलते हैं। तो आप प्रिंटिंग वाली शॉप पे जाएं, उन्हें बोलें कि मैंने स्टिकर शीट के ऊपर प्रिंट करवाना है, वो इजीली आपको प्रिंट कर देंगे और प्राइस भी बता देंगे। क्रश ग्लास के साथ साथ मैं अप्लाई कर रही हूँ व्हाइट कलर की ग्लू। ग्लू को मैंने फिंगर से ही अप्लाई कर लिया, आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। उसके बाद हाथों को अच्छी तरह से क्लीन कर लीजिएगा ताकि फॉइल पेपर आपके हाथ में ना चिपकें। उसके बाद मैं इस ग्लू के ऊपर लगा लूंगी ये फॉइल पेपर। इसे अगर हाथ पे चिपक भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, बस ये होगा कि मैस क्रिएट होगा। और ये अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ट्रे की बिल्कुल ही लुक डिफरेंट हो चुकी है। अब अगेन मैं यूज करूंगी हीट गन का ताकि जो भी स्टिकर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिंगर की हेल्प से या टिश्यू की हेल्प से हम इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। सेम यही स्टेप्स मैं दूसरे ट्रे पे भी कर लूंगी। व्हाइट ग्लू को मैंने स्टोन्स के पास इस तरह अप्लाई कर लिया और उसके ऊपर मैं लगा दूंगी ये गोल्डन कलर का फॉइल पेपर। यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉइल पेपर ऐड करने के बाद ही इसकी लुक कितनी चेंज हो गई है, लेकिन जो गोल्डन फ्लेक्स हमने ऐड किए थे वो छुप गए हैं। तो यहाँ मैं थोड़ी सी ग्लू अप्लाई करके वो गोल्डन फ्लेक्स ऐड कर लूंगी। मैंने बगैर मेजर किए यहाँ हैंडल लगा लिया था, वो भी ग्लू गन से। जब मेजर करने लगी तो वो थोड़े ऊपर नीचे हो रहे थे, फिर मैंने दोबारा से हैंडल उतारा, ग्लू को रिमूव करने की कोशिश की। थोड़ी बहुत ग्लू रिमूव हो ही गई थी और इस बार मैंने स्केल से मेजर करके फिर हैंडल्स लगाए। तो अगर आपसे भी कभी छोटी मोटी गलती हो जाए तो वो इस तरह से ठीक हो सकती है। अगेन हम उसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हीट गन से हम हीट देंगे ताकि रेजिन थोड़ी सी नरम हो जाए। उसके बाद हम स्टिकर्स लगाएंगे। इन स्टिकर्स का फायदा ये भी होता है कि अगर आपसे कोई स्टिकर गलत लग गया है तो वो वापस रिमूव होके सही तरह से भी लग सकता है। स्टिकर लगाने के बाद वापस से हीट गन से हीट देनी है ताकि स्टिकर्स अच्छी तरह से फिक्स हो जाएं। सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मैंने यहाँ तीसरा ट्रे भी रेडी कर लिया है। इसके सेंटर में जो गैप है वहाँ पे रिंग होल्डर्स आएंगे, इसलिए वो गैप दिया गया है। उसके बाद मैंने इन तीनों ट्रेस की रेजिन एक ही जगह मिक्स कर ली थी और अंदाजे से बराबर बराबर रेजिन को इनके अंदर पोर कर दिया। वुडन स्टिक की हेल्प से मैं इसको अच्छी तरह से हर जगह फैला दूंगी, स्पेशली स्टोन्स और क्रश ग्लास पे, ताकि ये अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। एक और टिप, जितनी ज्यादा आप रेजिन का यूज करेंगे आपका ट्रे उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। अगर आप रेजिन में कंजूसी करेंगे तो डिलीवरी के टाइम इन ट्रेस का टूटने का खतरा रहेगा। जो बोस मैंने रेडी की थी वो यहाँ मैंने स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए दे दी थी। यहाँ ब्राइड एंड ग्रुप के इनिशियल्स प्रिंट हो रहे थे जो कि दिखने में कुछ ऐसे थे। उसके बाद मैं इन्हीं कस्टमर का रेडी कर रही हूँ एंगेजमेंट ट्रे। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं इस ऑल इन वन ड्रिल मशीन के कि ये आपने कहाँ से बाय की। तो ये मैंने दराज से बाय की थी, मुझे इसका लिंक नहीं मिल रहा, जब मिलेगा तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर कर दूंगी। और मेरे ख्याल से ये अब दराज पे मिल भी नहीं रहा। मैंने इस फ्रेम को गोल्डन कलर से स्प्रे पेंट कर लिया था और अब यहाँ मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ फेक फ्लावर्स और इसका फाइनल लुक है ये। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। यहाँ मैं रेडी करने वाली हूँ ये फ्लावर बॉक्सेस। सबसे पहले मैं इन बॉक्सेस को करूंगी अनबॉक्स और इसके सारे कैप्स को सेपरेट कर लूंगी। यहाँ बोस भी स्क्रीन प्रिंटिंग होकर आ गई थी जो कि देखने में कुछ ऐसी लग रही थी। अब हम फटाफट इन बॉक्सेस के ऊपर ये रिबिन्स लगा लेंगे। बॉक्सेस के सारे कैप को मैंने इस तरह अलग करके रख लिया था। अब एक एक करके मैं इस तरह ग्लू अप्लाई करती जाऊंगी और बो को इनके ऊपर लगाती जाऊंगी। बो को भी हमने ध्यान से लगाना है क्योंकि जो हमने इनिशियल्स प्रिंट किए हैं ब्राइड एंड ग्रूम के, अगर वो उल्टे लग गए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि अनफिनिश और अनप्रोफेशनल काम लगेगा। उसके बाद मैंने बो के सेंटर में इस तरह से ये पर्ल्स लगा दिए और ऐसे हमारे सारे फेवर
क्लियर बॉक्सेस बनके तैयार हो गए, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। आपको कैसे लग रहे थे कमेंट में बताइएगा। यहाँ इनका रेजिन ट्रे भी ड्राई हो गया था और ये इस तरह इजीली डीमोल्ड हो गया। अब बस इसे देने थे कुछ फाइनल टचेस, और वो फाइनल टचेस क्या है आप लोग बताएंगे। अगर आप मेरी हर वीडियो देखते हैं ना तो आपको पता होगा कि अब मैं इस ट्रे के साथ क्या करने वाली हूँ। यहाँ इन कस्टमर के थे ये निका पेन, वो भी मैंने रेडी कर दिए थे, जिनका फाइनल लुक कुछ ये था। यहाँ ये नेम्स की कटिंग है जो मैंने एंगेजमेंट ट्रे पे लगानी है। नेम्स की बैक पे मैंने ग्लू अप्लाई कर ली थी। इस तरह मैं इनके नेम्स को यहाँ एडजस्ट कर दूंगी, लगा दूंगी हल्के हाथ से, लेकिन थोड़ा टाइटली मैं इसे प्रेस करूंगी ताकि नेम्स अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। इस तरह ये एंगेजमेंट ट्रे भी रेडी हो गया था। अब बारी थी इन सारी चीजों को पैक करने की और सेफली कस्टमर तक डिलीवर करने की। मैंने इन सारे फेवर बॉक्सेस के कैप को बॉक्स के अंदर इस तरह असेंबल कर दिया। कैप्स को बॉक्स के साथ इसलिए भी नहीं लगाया क्योंकि कस्टमर ने बाद में बॉक्स ओपन करके इसके अंदर चीजें फिल करनी थी, तो वो इजीली चीजें फिल करके बाद में कैप लगा सकते हैं। और सेकंड बात ये कि जितना अच्छा ध्यान आप अपनी पैकिंग पे देंगे कस्टमर के ऊपर उतना ही अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। बॉक्स के अंदर थोड़ा सा स्पेस बच गया था तो मैंने इस तरह एक्स्ट्रा प्लास्टिक ऐड कर दी ताकि फेवर बॉक्सेस के जो कैप हैं वो मूव ना करें। यहाँ निका सर्टिफिकेट का जो व्हाइट पार्ट था मैंने उसकी कटिंग कर दी और उसको मैंने इस तरह फ्रेम के अंदर एडजस्ट कर दिया। ये है इस फ्रेम की फाइनल लुक। मुझे याद आया कि मैंने इन सारी चीजों की फाइनल लुक एक साथ आपको दिखाई ही नहीं है, तो ये है इन सारी चीजों की फाइनल लुक। अगर आप में से कोई ये चीज ऑर्डर करना चाहता है तो वो निका हैप्पीनेस के पेज से ऑर्डर कर सकता है। आज चूंकि मैं आपसे बिहाइंड द सीन शेयर कर रही हूँ, तो इस तरह हम लोग फोटोशूट करने के लिए सारा सेटअप लगाते हैं और फिर पिक्चर्स को क्लिक करते हैं। पैकिंग के बीच में मैंने इसलिए फोटोशूट कर लिया था क्योंकि अगर सनलाइट चली जाती तो पिक्चर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। और अब वापस आ जाते हैं पैकिंग की तरफ। यहाँ मैं ले रही हूँ बटर पेपर और बटर पेपर की मैंने इस तरह कर ली है कटिंग। बटर पेपर लगाऊंगी मैं इस ट्रे पे कुछ इस तरह से, इसे कंप्लीट लुक देने के लिए मैं इस तरह बो लगा दूंगी। अब इसकी सेफ्टी के लिए मैं यहाँ यूज करूंगी बबल रैप का, क्योंकि मेरा ये ऑर्डर आउट ऑफ सिटी जाना था इसलिए मुझे इसको ज्यादा पैक करना पड़ रहा है। इस निका फ्रेम को भी हमने इस तरह पैक करना है कि इसका फ्रेम डैमेज हो के कस्टमर को ना मिले, इसलिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ इस थर्मापोल शीट का। जहाँ आप इस थर्मापोल का यूज करें वहाँ मेस क्रिएट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सर्टिफिकेट को पहले इस तरह प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया। मैं इसे थर्मापोल शीट के सेंटर में इस तरह रख दूंगी और टेप से इसे पैक कर दूंगी। इस तरह पैकिंग करने से कस्टमर को बगैर डैमेज हुआ हुआ फ्रेम डिलीवर हो जाएगा सेफली। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी अपनी पैकिंग को आपके साथ इस तरह शेयर करता होगा जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया है। अब जो पेन थे उनके नेम्स पे भी मैं इस तरह थर्मापोल लगाऊंगी ताकि पेन के जो नेम्स हैं वो भी टूटे हुए कस्टमर को ना मिले। अभी तक आप लोग ने तीन चीजों को पैक करना सीख लिया है, अब हम पैक करेंगे एंगेजमेंट ट्रे को। अगर इसे मैं यहाँ वर्टिकल पैक करूंगी तो इसके टूटने का खतरा ज्यादा होगा, इसलिए इसको मैंने हॉरिजेंटल रखा, बबल रैप से इसे रैप कर दिया। उसके बाद हमने टेप से भी इसे रैप कर देना है। ये सारी चीजें पैक होने के बाद कुछ इस तरह की लग रही थी। एंगेजमेंट ट्रे है जो ऐसे लग रहा था और निका पेन्स कुछ इस तरह के लग रहे थे। रेजिन ट्रे का कुछ ये लुक है। अब रेजिन ट्रे और पेन को मैं अपने बॉक्स के अंदर डाल के पैक कर दूंगी। अब बस रह गए थे फेवर बॉक्सेस पैक होने के लिए, तो उनको मैंने इस तरह क्लिंक रैप कर लिया था कि जो बॉक्सेस थे उसको मैंने कुछ इस तरह से पैक करके उसे भी क्लिंक रैप कर लिया। और जो लोग मुझे कह रहे थे आप ही प्लीज अपनी पैकिंग शेयर कर दें, तो आज मैंने उनके साथ अपनी पैकिंग भी शेयर कर दी है। यहाँ मानो हर चीज को चेक कर रही थी कि सारी चीज ओके है या नहीं। दो तीन दिन से स्टूडियो में बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई थी क्योंकि इतना अर्जेंट ऑर्डर था, हर काम इतनी जल्दी जल्दी में हुआ। अगर मैं इस रूम की सफाई करवाती तो मैं खुद ही बाद में भूल जाती कि मैंने कौन सी चीज कहाँ रखी है। इसलिए मैंने आज अहद कर लिया था कि मुझे इस रूम की सफाई आज लाजमी करनी है, और मैं लग गई इस रूम की सफाई करने में। सबसे पहले मैंने ड्रॉस से सारी चीजें निकाली और उसे असेंबल करके दोबारा ड्रॉस के अंदर रख दी। कुछ मैस इस दो दिन के अंदर हुआ था और कुछ मेरा पहले से ही था। मैं नेम्स की हमेशा एक्स्ट्रा कटिंग करवाती हूँ ताकि अगर कोई टूट भी जाए तो मुझे फौरन दूसरा नेम निकालूं और लगा लूं। यहाँ मैंने हर चीज को एक जगह करके रखा, नेम्स को एक जगह करके रखा, फ्लावर्स को एक जगह करके रखा, और कुछ गोल्डन फ्लावर्स थे उनको इस तरह रखा। पिगमेंट कलर्स, लिक्विड कलर्स, इन सब को असेंबल करके एक जगह रखा। ये आपको लग रहा होगा कि बॉटल्स क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, लेकिन रेजिन लग लग के ना इनका ये हाल हो चुका है। और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ये अल्कोहल इंक कलर्स, क्योंकि मेरी क्लास 1 के नीचे सबसे ज्यादा कमेंट यही है कि हमें इंक कलर से कुछ बनाना सिखा दें। जो रेजिन की बॉटल्स खत्म हो गई थी मैंने उसे एक जगह कर दिया। इनमें कुछ ऑर्डर्स वो हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ वो हैं जो अभी हाफ
हाफ डन है। अभी जो हम लोग ने ब्राइडल सेट की डीन निकाली थी, आप लोग ने उसे बहुत पसंद किया, तो कुछ चीजें उसकी पड़ी हुई हैं यहाँ, और ये निका पेन है जो रेडी हुए हुए हैं, बस इनकी पैकिंग होने वाली है। अगर आप भी इनमें से कोई चीज ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ आप लोग को इंस्टाग्राम पेज दिख रहा है, यहाँ जाएं और अपना ऑर्डर बुक करवा लें। मुझे इस रूम की एहतियात के साथ सफाई करनी थी, क्योंकि यहाँ कुछ रेजिन के प्लेक ऐसे हैं जो अभी गीले हैं और अगर इनमें डस्ट चली गई तो बाद में रिमूव नहीं होगी। यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिंग होल्डर बना के रखे हुए हैं, जो रेजिन बच जाती है हम उसे इस तरह यूज कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा कबूल है कटिंग है, लाइटर्स रखे हुए हैं, और इस तरह मैंने हाफ कमरा कंप्लीट क्लीन कर लिया है। अब बस इस कमरे में झाड़ू लगने वाला है, वो सुबह हेल्पर आके लगा लेगी, लेकिन मैंने फिर भी सारे कचरे को एक जगह पे लगाने की कोशिश की है ताकि मेड आए वो इजीली एक जगह से सामान उठा ले। यहाँ मुझे सफाई करते हुए एक अनोखी चीज मिली, आप ही ने इसे स्पेशली ग्लू गन के लिए बनाया हुआ है। ये है नेक्स्ट डे, आज मेरी और पापा की बर्थडे है और हमें आप ही दे रही हैं ट्रीट। पापा और मेरी बर्थडे सेम डेट एंड सेम मंथ में ही आती है। हम लोग जहाँ डिनर करने आए थे वहाँ का व्यू कुछ इस तरह का था, और जाते ही हम लोग ने दिया ऑर्डर चावल भरा, ठीक है, एक सीख कबाब, एक गोला कबाब, एक कटा कट, मगज वाला पराठा, मगज के साथ, नहीं मगज के साथ, मगज के साथ, और हमारा बजट बहुत ज़्यादा है, नान, तीन पराठे, छः चपाती और रायता सलाद। यहाँ हमें ऑर्डर बताते बताते ये याद नहीं था कि हमने ऑर्डर क्या दिया है, तो वेटर ने बगैर लिखे याद भी कर लिया कि हमने उसे क्या बताया है। सबको इतनी भूख लग रही थी कि जैसे ही सैलेड आया तो सबने सबसे पहले सैलेड ही खाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही आ गया हमारा ऑर्डर, जिसमें हमने मंगवाया था नान, चपाती, पूरी पराठा, कटा कट, सीख कबाब और ये चिकन चावल भरा, जो कि टेस्ट में बस सो सो ही था, इतना कोई टेस्ट ही नहीं था। मुझे पता है अब आप लोग को भी लग गई होगी भूख, और जो डाइटिंग पे है उनकी हो गई होगी डाइटिंग खराब। वीक में एक चीट मील तो चलता ही है, अगर आप चीजों को पोर्शंस में खाएंगे तो आपका वेट बिल्कुल भी गेन नहीं होगा, इसलिए हर चीज खाएं लेकिन पोर्शंस में खाएं। यहाँ हम लोग ने कर दिया है चिकन का पोस्टमार्टम, ये थी मेरी प्लेट, मैंने हर चीज को थोड़ा थोड़ा लिया था ताकि मैं सब टेस्ट कर सकूं, और इनका जो कटा कट था वो बहुत मजे का था, गोला कबाब भी इनके अमेजिंग थे। सबसे लास्ट में आया था अहमद का ऑर्डर, और अहमद और मेरे बीच में डील हुई थी कि मैं अहमद का थोड़ा सा खाऊंगी और अहमद मेरा थोड़ा सा खाएगा। फिर जो खाना हमसे बच गया था वो हमने पैक करा लिया और निकल गए घर के लिए। आज का मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि घर जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। जो खाना हमने पैक करवाया था वो हमने किसी जरूरतमंद को दे दिया, और आप ही ने लेने थे यहाँ फ्लावर्स। ये फ्लावर्स उन्होंने पहनने के लिए नहीं लिए थे बल्कि ड्राई करने के लिए लिए थे। बहुत जल्द इन्हें कैसे ड्राई करते हैं इसकी वीडियो भी मैं डालूंगी। वो क्या है ना कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करते नहीं हैं, और जब लाइक नहीं करते तो मुझे मोटिवेशन भी नहीं मिलती वीडियोस बनाने की, इसलिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं इसी तरह वीडियोस को अपलोड करती रहूं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।